हीरे ने बदला ली, हीरे ने बदला ली, ये बंद तो मैं बंद। क्या कहना चाहते हो? हमारी जिंदगी रसोई से शुरू, रसोई पे खत्म, हमारी पूरी ब्लॉगिंग जो है वो रसोई में रहती है। क्योंकि तो हेलो दोस्तों, रोज हम कुछ भी शुरू करते हैं ब्लॉग, आज हम कर रहे हैं शुरू, देखते हैं हम कुछ भी क्या कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। रोज वो हमें ढूंढ रहे होते हैं, आज हम उनको ढूंढते हैं, वो क्या बना रहे हैं आज। तो हेलो अंकुश भैया, क्या बात है अंकुश भैया, देख लीजिए क्या बना रहे हैं अंकुश भैया। रोटी बना चुके हैं और दाल बना चुके हैं, और हाँ अंकुश भैया जो है दाल बना चुके हैं आज। क्या बात है, बिना लहसुन प्याज आजकल अंकुश भैया खाना बनाना बस एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, इसलिए वो हमसे खाने का जो सारा क्रेडिट है वो छीनना चाहते हैं। देख लीजिए उन्होंने दाल बना दी है, पक रही है अभी, ठीक है। और ये देखो रोटियां बन रही है फटाफट से, रोटियों की स्पीड बहुत तेज है, और साथ में देखा जा रहा है जेठालाल। हेलो दोस्तों, कैसे कुछ भी आजकल आपको खाना बनाने की इच्छा कैसे जाग चुकी है? क्योंकि अभी आलू सब्जी एक बार बनाएंगे और हमारे कोई रीजन हमारे चल रहे फास्ट, हमारी होगी हालत खराब, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, रोज 100-200 ग्राम कम होते जाते वजन, जिसकी वजह से हमारी हो रही हालत खराब। आप ही तो बोल रहे थे वजन कम नहीं हो रहा, आप ही तो कह रहे थे वजन कम हो रहा है ना, 100-200 ग्राम ही कम हो रहा है, कितनी बड़ी बात है 100-200 ग्राम कम होना दोस्तों। चलिए तो इस वजह से क्या अभी आलू की सब्जी प्रमोद भैया बनाएंगे, बिल्कुल तो हम बनाएंगे आलू की सब्जी, मैं दिखाऊंगा पूरे तरीके से। सही है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमोद भी अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं, उन्होंने शिमला मिर्च को धो लिया है, आलू छील रहे हैं और उनकी हालत खराब होगी, सुबह से अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला है दोस्तों। सोच सकते हैं आप एक ऐसा इंसान जो पढ़ा कर रहा है बेचारा, और अब खाना बना रहा है, अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। बताओ प्रमोद भैया कितने महान हो आप, इसके बारे में कुछ बोल चाहते हो आप? तो फिर देखा अभी भी जोश बरकरार है, आवाज देखिए दोस्तों कितनी लाउड है भैया, है ना। तो प्रमोद जी आप क्या कहना चाहते हैं, आप बॉडी का फर्क पड़ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है या नहीं? वजन कम नहीं हो रहा, उतना ही है जितना था, उतना ही है जितना था। 72 kg। हाँ तो इतनी मेहनत और इतने जतनों के बाद भी आपका वजन गिर क्यों नहीं रहा? बिल्कुल सुबह से आपने अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लिया फिर भी वजन कम नहीं हो रहा आपका, यार ये क्या बात है? तो अन्न का तो दाना नहीं लिया ना, ये सच है। फ्रूट अरे देखो आपने फ्रूट खाए होंगे, दूसरी चीजें खाई होंगी, लेकिन अन्न का दाना तो नहीं लिया ना। अन्न में थोड़ी ना गिना जाता है, गिना जाता है वो भी नहीं, अन्न में तो ये गिना जाता है रोटी सब्जी है ये, तो अब खाएंगे दोस्तों। तो प्रमोद जी आपने लहसुन प्याज को मिक्स किए नहीं किया यार, अच्छी बनती है खाना तो, आप तो कुछ भी कर देते हो, आपकी बात ही अलग है। बिल्कुल नहीं नहीं क्या क्या हमने हमें बहुत मिस किया। ये देखिए दोस्तों ये थाली जो है प्रमोद भी ने ऐसे से हाथों से सुखाई है, ठीक है, ये हमने कोई ट्रिक दिखाना चाहते हैं कि हाथों से कैसे सुखाए, कैसे ऐसे कैसे ऐसे झटको दो चार पांच बार। ये देखिए धड़ाधड़ काटेंगे प्रमोद भी, हाथ नहीं होंगे ऐसा, इतना एक्सपर्ट हो चुके अभी साफ काट के 2 सेकंड में ये तैयार सब्जी, 2 मिनट पहले अभी छील दी है। ये देखो हरी हरी शिमला मिर्च प्रमोद भैया, हर क्यों होती है लाल भी होती पीली होती है, ले यार क्या प्रमोद भैया आप भी यार, इसको कैप्सिकम कहते हैं ये, आज भी अंग्रेजों की सब्जी, हम तो शिमला मिर्च खाएंगे आलू के साथ, वो आलू नहीं बोलते वो बटाटो बोलते है ना, बटाटा हम तो बटाटा बड़ा बोलते है दोस्तों। ये देखिए हमारा हमारा टीवी है दोस्तों, ये रहा हमारा टेबलेट, हमारा टीवी है आप देख सकते हैं, ये रहे मेरे हेडफोन, ये ड्राइंग टेबलेट भी, ये सब है, ये जिंदगी है अगर कुल मिला के बोला जाए तो, ये बंद तो मैं बंद। क्या कहना चाहते हो? हाँ मेरी जिंदगी है दोस्तों, ऐसा प्रमोद भैया बोलते, प्रमोद भैया तो देखते ही नहीं उस पर टीवी ना, वो तो आंखें बंद कर लेते जब खाना खाते टाइम इस पे चालू होता है ना। वाह वाह दोस्तों यही दुनिया है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं धोरा चरित्र साफ साफ, आप एक टीचर हो के धोरा चरित्र दिखाना चाहते हो अपना। देख हमारी जिंदगी रसोई से शुरू, रसोई पे खत्म, हमारी पूरी ब्लॉगिंग जो है वो रसोई में रहती है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना बचता है, सीधी सी बात है। प्रमोद भैया पढ़ाते और मैं ड्रॉइंग बनाता हूँ, ड्रॉइंग के वीडियो दूसरे चैनल पे जाते हैं तो इसलिए मैं ड्रॉइंग कर रहा था, और प्रमोद भैया उस टाइम पढ़ाने गए हुए होते, और जब हमारे खाना बनने का टाइम होता है तभी फ्री होते हैं। देखो हम हमारा स्ट्रगल दिखाना चाहते हैं ना आपको, देखो हम कितना महान अच्छा खाना बनाते हैं, हमारा टैलेंट दिखा रहे, आप देखो और इंजॉय करो, और आपको कोई भी क्योरी हो हम आपको फ्री में देंगे आप। तो देखिए दोस्तों कहानी शुरू हो रही है हमारे शिमला मिर्च और आलू, हम जीरा डालेंगे ही नहीं, डालते रहो हम दिखाऊंगा ही नहीं, ये डाल रहा है लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, आई हेट जीरा दोस्तों।
जीरे ने बदला लिया, जीरे ने बदला लिया, जीरे ने बदला लिया है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही कहा था उसने, जैसे भी तुमने मुंह बने ना ऐसे ही कहा जीरे ने। ठीक सुनाई दिया ठीक सुनाई दिया आपको ठीक सुनाई क्या दी अभी सुनाई देगी जब हम डालेंगे, नहीं डालेंगे नहीं देगी सुनाई देगी और क्या साफ सी बात है। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, ये देखिए हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और ये बनाई है अंकुश भैया ने एकदम रेड कलर की दाल। अब इन्होंने टमाटर बहुत अच्छे से डाले हैं, तो आप देख सकते हैं अंकुश भैया बहुत मस्त सब्जी बनाते हैं, है ना। वो खाली बोलते हैं कि मैं अच्छी बनाता हूँ, लेकिन वो भी मस्त खाने सब्जी बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको इसका सब्जी को खा के बताएंगे कैसी बनी है सब्जी। तो दोस्तों मैंने सारा अली खान मैम की पोर्ट्रेट बनाई है उनकी मूवी से गैस लाइट से, तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये रहे प्रमोद भैया, और उन्होंने हमें हमने दो दिन खाना बनाया और उन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया, तो अब हम जानना चाहते हैं क्या हमने खाना अच्छा नहीं बनाया था। बहुत ही अच्छी सोने की सब्जी बनाई थी, सोने की सब्जी नहीं छोले की सब्जी, छोले ही बोल रहा हूँ आपको, सोना सुने दे रहा है। तो छोले की सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी अंकुश भैया ने, और आलू और उसकी भी तो सब्जी बनाई थी, दाल और आलू की भी तो बनाई थी, और कल रात को दाल भी बनाई थी, लाल थी लेकिन दोस्तों उसमें मिर्ची नहीं थी, खाली टमाटर की वजह से लाल थी, और बड़ी टेस्टी बनाई। और आलू की सब्जी, आलू की सब्जी मैंने हाँ वो भी आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाई। और एक खुशखबरी देनी है आपको, हम पूरे दिन व्रत रखते कुछ नहीं कहते, लेकिन वजन वही है, वो गिरा ही नहीं भाई साहब, गिरा ही नहीं है वजन, वो ही वजन है उल्टा। आज सुबह तो देखा मैंने, बढ़ गया यार क्या कहना चाहते आप इस पे, हम पूरे दिन खाना नहीं खाते, ये सच्ची बात है, ये तो कसम से नहीं है यार, ये वजन नहीं घटता इतनी जल्दी, वजन एक्सरसाइज से खत्म होता है एक दो दिन। तो भाई साहब जब मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, शाम को आप है ना तो बहुत ज्यादा खा लेते, वो भी तो बोलो। तो दोस्तों ये शाम को ये जो है पूरी कसर निकाल देते दिन भर की, कहां से वजन कम होएगा। तो दोस्तों आज हम अंदर गुड नाइट जय हिंद भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो है हमारे बाहर जो है बहुत शोर है, तो पड़ोस में म्यूजिक चल रहा है, कोई फंक्शन है, शादी है, फंक्शन है इसलिए बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, बोलो आप बोलो। चलिए दोस्तों एक दिन बाद में आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो आप देखा ही नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि देखा होगा क्योंकि हम बना रहे ना इसलिए, तो हमने बनाया नहीं तो आपने देखा ही नहीं होगा, हम बनाएंगे तभी आप देखोगे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया ना पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और कुछ ऐसा बनाएंगे खाने के लिए, जो बोर नहीं कर रहा सच बोलो, कुछ ऐसा बनाएंगे खाने के लिए जो शायद आजकल लोगों को बहुत पसंद है। मिलते हैं, जय हिंद, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं परसों कल।